हेलो स्टूडेंट्स आई एम गजेंद्र शर्मा वेलकम टू अट 24/7 स्कूल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज अगर हम लोग बात करें कि जो आप लोगों की एक्सरसाइज है उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस है और उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी इतना पार्ट्स पढ़ चुके हैं जैसे अगर मैं एक बार वापस आप लोग को रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है और क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स जो है आपके वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं उसके बाद में मैंने इलेवन पॉइंट वन से लेकर इलेवन पॉइंट सिक्स तक के पहले पार्ट के अंदर जितने आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो सारे कवर करा दिए और उसके बाद में हम लोग पार्ट टू की बात करें तो उसके अंदर मैंने इलेवन पॉइंट सेवन से लेकर इलेवन पॉइंट इलेवन तक के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को करा दिया है उसके अंदर थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने इलेवन पॉइंट ट्वेल्स से लेकर इलेवन पॉइंट सेवनटीन तक मैंने क्या किया है आप लोगों के सारे सवाल को करा दिया है अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो बात करने वाले हैं इलेवन पॉइंट एट से लेकर

बॉयलर हैज अ बेस एरिया ऑफ जीरो हमें क्या दे रखा है एरिया दे रखा है तो यहां पे लिखते चलिए और इसके अंदर क्या करना है? सारी चीजों को हमको लिखते हुए चलना है तो क्या है ये? डेटा की मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं गिवन डेटा तो गिवन डेटा क्या हो जाएगा सर एरिया हमारा हो जाएगा 0.15 मीटर स्क्वायर 0.15 मीटर स्क्वायर आगे बोला है एंड थिकनेस 1.0 सेंटीमीटर यानी सर थिकनेस की बात करता हूं टी तो हमारी कितनी है 1.0 सेंटीमीटर सीधा सीधा ये हो जाएगा 1 इंटू टेन टू डी पावर माइनस टू मीटर आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जितना भी कन्वर्जन करना है वो हमेशा मीटर के अंदर ही करना है यानी सर हमें क्या करना है सेंटीमीटर से मीटर में ही लेना है क्योंकि स्टैंडर्ड जो हम लोग लेते हैं वो मीटर को लेते हैं ठीक है अब देखिए कहीं कहीं ये जो थिकनेस है इसको डी से भी डिनोट कर देंगे और कहीं कहीं इसको टी से भी कर देंगे तो मैंने क्या किया इसको टी से किया है क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो क्योंकि थिकनेस वहां लिखा हुआ है इसलिए मैंने क्या किया है टी से ही इसको डिनोट कर दिया नेक्स्ट क्या बोला है इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो पर मिनट यानी कि सर एम की अगर मैं बात करता हूं थोड़ी सी देर के लिए तो क्या दे रखा है 6 के पर मिनट

यानी कि वन ओपॉइंट टेन हो गया अगर वन ओपॉइंट टेन है तो इसका मतलब क्या हो गया सर जीरो पॉइंट वन हो गया और यूनिट क्या आ जाएगी भाई के है ये ऊपर के में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है अपॉन में क्या आ जाएगा सर सेकंड अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा सेकंड आगे बोला है वैन प्लेस्ड ऑन अ गैस स्टॉप एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टेक्ट विद द बॉयलर ठीक है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ब्रास हमें दे रखा है क्या दे रखा है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास हमें दे रखा है अगर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास की मैं बात करता हूं तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग के से किससे डिनोट करते हैं के से और के हमारा कितना दे रखा है वो हमें दे रखा है 109 109 कितना दे रखा है 109 जूल सेकंड -1 m -1 और k -1 ठीक है भाई आगे दे रखा है हीट ऑफ वेपराइजेशन अब देखिए हीट ऑफ की बात करते हैं कि सर ये हमें क्या दे रखी है अगर मैं की फॉर्म ऑफ़ वाटर अब वाटर के लिए अगर कहीं भी आ जाए ना बेटा तो एक चीज याद रखेगा कि ये हमारी किसकी बात कर रहा है लेटेंट हीट की बात कर रहा है यानी कि सर सीधा सीधा मैं बोलू तो ये हमें किसकी बात कर रहा है एल की बात कर रहा है और एल का वैल्यू कितना दे रखा है टू टू फाइव सिक्स इन टू

यहां से देखिए एल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है एल इज इक्वल टू हमारा होता है क्यू अपन क्यों अपॉन एम क्योंकि यूनिट क्या होती है जूल और इसकी यूनिट क्या होती है सर इसकी यूनिट होती है के क्या होती है के तो भाई यही तो लिखा हुआ है यहां पे क्या लिखा हुआ है जूल इंटू के जी माइनस वन यही तो लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको यहां देखा देखते ही मैंने बोल दिया कि क्या है ये लेटेंट हीट है क्या है लेटेंट हीट है क्योंकि अगर ये और कोई एनर्जी की बात करता तो एनर्जी अगर स्पेसिफिक हीट की बात करता तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है क्यू अपॉन क्या होता है एम डेल्टी हमारा होता है यहां पे इसकी यूनिट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा जूल इसकी बात करोगे तो मान लीजिए हम लोग के जी के रेस्पेक्ट में ही ले रहे हैं तो और ये हमारा क्या है अगर इसको ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम में मोस्टली हम लोग किस में लेते हैं ग्राम में तो इसको मैं ग्राम कर देता हूं ग्राम और उसके अलावा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारे पास होता अगर ये हीट दी होती, क्या होती? हीट दी होती तो ये हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं लेकिन यहां है? है। है, तो मैंने लिख दिया अब बात आती है कि सर ये इतना हमें दे दिया ये हमारे पास डेटा है अगर ये डेटा है तो हमसे जो पूछा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है क्या हमसे पूछा गया है तो हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं क्या बोला है कि एस्टिमेट द टेम्परेचर एस्टिमेट द टेम्परेचर द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टेक्ट विद द बॉयलर यानी कि सर हमें टेम्परेचर की बात की है, किसकी बात की टेम्परेचर की बात की है कि कितना टेम्परेचर होगा क्लियर बात है अगर क्लियर बात है तो सबसे पहले अगर आप लोगों को यहां पे अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी आ गई है तो हम लोगों को जो एनर्जी निकालनी पड़ेगी वो थर्मल कंडक्टिविटी को यूज करके निकालनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी यूज करके निकालनी पड़ेगी कि यानी कि सर हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है क्योंकि सर जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसकी फॉर्म में तो ये होता है के ए डेल टी अपॉन में हो जाता है थिकनेस यहाँ पे के जो होता है ये थर्मल जो कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसके अलावा ए हमारा क्या होता है एरिया होता है डेल्टी क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है और टी हमारा क्या हो जाता है थिकनेस हो जाता है क्या हो जाता है थिकनेस हमारी हो जाती है अगर ये थिकनेस है तो देखिए के का वैल्यू देखिए के का वैल्यू कितना है सर वन जीरो 10

हंड्रेड ठीक है भाई यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए वन थर्टी फाइव कितना होता है वन थर्टी फाइव और ये कितना हो जाएगा सर फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड और वन थर्टी फाइव और ये हो जाएगा टोटल सिक्सटीन थ्री फाइव टी माइनस हंड्रेड ये हमारा क्या आ गया बेटा वैल्यू आ गई है क्यू की यह हमारी वैल्यू आ गई है सर क्यू की अगर ये क्यू की वैल्यू आ गई है तो अब आप लोगों को क्या यूज करना है अब यूज करना है लेटेंट हीट को क्या करना है हीट को यूज करना है जिससे क्या है सारी चीज आप लोगों की क्लियर हो जाए सारी चीज आप लोगों की क्या हो जाए क्लियर हो जाए लेटेंट हीट में आप लोगों को जाना है क्या करना है लेटेंट हीट में आप लोगों को जाना है अगर लैटेंट हीट में जाना है तो भाई ये हमारी क्या मिल गई एनर्जी यानी कि सर जूल के अंदर ठीक है भाई अब हमें क्या करना है सर लैटेंट हीट के फॉर्म में इसको लेके आना तो लैटेंट हीट के फॉर्म में आप लोगों को याद होगा देखिए मैंने अभी लिखवाया है तो ये हमारा जब क्यू हमारे पास है तो एम क्या हो जाएगा सर, ML हो, जाएगा, क्या हो जाएगा? ML, अगर ML हो जाता है तो यानी सर अगर मैं कंपेरिजन करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम क्या हो जाएगा एम ये हमारा क्या हो जाएगा एम एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q और Q का वैल्यू हमारे पास है कितना है 635 635 थर्टी फाइव

ठीक है टेन टू डी पावर थ्री ये हमारे पास आ गया मुझे चाहिए टी वन की वैल्यू क्या चाहिए टी वन की वैल्यू अगर टी वन की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा टी वन माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो पॉइंट वन इन में टू टू फाइव सिक्स इन टू टेन टू डी पावर थ्री अपॉन में हो जाएगा बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा सर सिक्सटीन थर्टी फाइव सिक्सटीन थर्टी फाइव अब ये टेंटोडी पावर थ्री है तो आप लोग इसको लिखना चाहो तो चाहते हो जाएगा हंड्रेड इंटू में ये चला जाएगा हंड्रेड इंटू में ये चला जाएगा और सोलह से इससे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या होगा सर 0.1 है अगर 0.1 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं पहले तो पॉइंट यहां आ जाएगा पॉइंट यहां आने से कितना हो जाएगा सर इसको चाहे इधर के हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं अगर सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा वन कितना आ जाएगा वन हमारा आ जाएगा अप्रोसीमेटली पॉइंट में भी अगर जाता है तो उसको हम लोगों ने क्या किया है एक पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लिया वन अगर ये वन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी वन इज माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर ये हो जाएगी 238 क्या हो जाएगा 238 डिग्री सेल्सियस ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 238 डिग्री क्या हो जाएगा 238 डिग्री हमारी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 238 डिग्री हमारी आ जाएगी 238 डिग्री हमारी आ जाएगी क्या आ गया 238 डिग्री हमारा आ गया ठीक है भाई ये हमारा क्या है इस तरीके का क्वेश्चन है जो आप लोगों का बेस्ड बेस्ड है किस पे बेटा ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी पे बेस्ड बेसना या यह आपको याद रखना थर्मल कंडक्टिविटी जो आप लोगों को दे रखी है उस पर है ये क्योंकि जब आप लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते हो तो उसके अंदर यह चीजें सारी आती है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए जिससे क्या आप लोगों को सारी चीजें आसान हो जाए ठीक है भाई तो इसका सवाल में मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं क्या क्या डेटा दे रखा है एरिया दे रखा है के दे रखा था टी दे रखा था उसके बाद में हमें के A, T, M, K, और याद रखिएगा जब भी L का केस आ जाए ना, आपको कैसे पहचानना है, जो examiner होता है न, वो हमें क्या करता है बेटा थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसी दे, दे देता है जिसको हमने सोचा भी नहीं हो तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट उन चीजों को थोड़ा बचा के लिखते हैं जिससे क्या बेनिफिट हमारा हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं एक्सप्लेन वाई ऐसा क्यों होता है एक्सप्लेन हमें करना है तो देखिए बोला है एक्सप्लेन वाही अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर अमीटर अब एक चीज मुझे बताओ इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर मेरा कोई भी अगर कोई भी गुड एमीटर होगा ना भाई तो वो क्या होगा सर हमारा ये लार्ज रिफ्लेक्टिंग की जगह क्या होगा सर लो रिफ्लेक्टिंग हमारी वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए लो हमारी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए लो हमारी इसकी वैल्यू होनी चाहिए ठीक है

हो रही होंगी ऑब्वियसली तो बात है कि अगर मेरे पास सर तीन वैल्यूज हैं तीन में से एक बहुत ज्यादा क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है दो वैल्यूज मेरे पास क्या हो रही है कम हो रही है अब एक चीज मुझे बताइए अगर ये कम चीजों को ऑब्जॉर्व करेगा चीजों को ऑब्जॉर्व भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये क्या होगा हमारा सर पुअर क्या होगा पुअर अमीटर होगा क्या होगा पुअर अमीटर होगा क्यों क्योंकि ये चीजों को क्या क्या कर 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 रहा 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 है 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 सर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ज्यादा ज्यादा तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा अच्छा जो पुअर की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ना तो पुअर का मतलब क्या हुआ उसकी लार्ज रिफ्लेक्टिविटी होती है यानी कि सर वो चीजों को रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है और जब हम लोग बात करेंगे अच्छे वाले की गुड की बात करेंगे तो गुड के केस में क्या होगा अगर मैं गुड की बात करता हूं तो गुड के केस में क्या होगा बेटा गुड अमीटर के केस लो रिफ्लेक्टिविटी होती है अगर लो रिफ्लेक्टिविटी होती है तो इसका मतलब क्या होगा सर इसका ऑब्जॉर्वेशन वो क्या करेगा ऑब्जर्वेशन चीजों को क्या करेगा ज्यादा करेगा और उसी के साथ ये हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी अगर ये ज्यादा करेगा तो ये गुड होगा क्लियर बात है अब सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है उस चीज को देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर अ ब्रास टिम्बलर फील्स मच कोल्डर देन अ वुडन

colder than a wooden tray on a chilly day. क्लियर बात है सर इस केस में ये होगा अगर ये केस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि सर हम लोगों ने जब हीट को और टेम्परेचर को स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हीट हमने क्या बोला था कि सर हम लोग किसी भी चीज को छू के देखते हैं कोल्ड है है या फिर हमारा वो हॉट किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाली जो चीज है उसका टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर मतलब उसमें हीट कितनी है अगर हमारे कंपेरिजन में ज्यादा है तो वो हमें क्या है हॉट लगेगी और हमारे कंपेरिजन में कम है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कोल्ड बोल देंगे क्या बोल देंगे बेटा कोल्ड बोल देंगे इट इटमीन क्या हुआ कि सर इस केस में क्या है यहां पे अगर इसको कोल्डर बोल रहे हैं तो हमारे कंपेरिजन में इसके अंदर क्या है थोड़ा वैल्यू कम है वैल्यू क्या है लो है और इसके बाद में हमें बोला है कि सर वुडन अब वुडन की बात करते हो तो इसकी क्या होती है लो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है लो कंडक्टिविटी होती है लो कंडक्टिविटी होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये हमें क्या होगा नॉर्मल जैसा है वैसे हमें होगा ठीक है भाई अब चीजें हैं देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे एन ऑप्टिकल पायरोमीटर अब एक बात आती है यहां पे बात आई सर ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होती है बेटा पायरोमीटर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को जब मैंने बताया था कि सर किसी भी बॉडीज के थ्रू हम लोग जब रेडिएशन निकलते हैं उसको मेजर जो करता है वो पायरोमीटर करता है वो क्या करता है उसको टेम्परेचर की फॉर्म में हमें क्या है मेजर करके दे देता है क्लियर बात है क्या करता है टेम्परेचर की फॉर्म में मेजर करके हमें दे देता है अब क्या बात हुई ये तो हमारा हो गया पायरोमीटर की सर वो क्या करेगा जो रेडिएशन होंगे कोई भी बॉडी होगी उससे रेडिएशन जो आएंगे उसको क्या करेगा मेजर करेगा यानी कि उनको एनालिसिस करेगा और उसके थ्रू हमें टेम्परेचर रीडिंग क्या करेगा

डैश हो जाता है क्या हो जाता है e ई सिग्मा टू 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 पावर फोर माइनस टी नॉट दी पावर फोर ये हमारा होता है अब मेरे को एक चीज बताओ सर अगर इसमें से कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इट मींस क्या होगा ये हमारा हायर होगा अगर ये हायर तो इट मींस हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से बन जाएगा यानी सर इस समय हमारे क्या होंगे होंगे बहुत ज्यादा क्योंकि फर्निस को आप लोग कैसे जानते हो फर्निश को हम लोग जानते हैं कि सर हमारा क्या करता है टेम्परेचर हाई होता है फर्निस के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं फर्निसचर हाई होगा अब कोई भी बॉडी को अगर उसके अंदर रखोगे तो, तो, तो वो क्या करेगा बिहेव करेगा एक तो तो ब्लैक बॉडी की तरफ क्या करेगा एक ब्लैक बॉडी की तरफ बिहेव करेगा और ब्लैक बॉडी की तरफ बिहेव करेगा तो उससे जो होंगे होंगे वो हाई और रेडिएशन जब हाई होंगे तो सर हमारा जो पायरोमीटर है वो क्या करेगा उसके रीडिंग अच्छे से लाएगा टेम्परेचर हमारा क्या होगा अच्छे से मेजर होगा और एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलेगी क्या होगी एक्यूरेट वैल्यू

इन हॉस्पिटेबिलिटी तो कोल्ड अब ये क्या होता है कोल्ड कैसे होगा इन इसके अगर मैं बात करता हूं कैसे कोल्ड होगा कैसे केस में कोल्ड हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कोल्ड है या नहीं है हॉट है क्या है कैसे बोलेंगे सर यहां पर बोला था अर्थ विदाउट इट्स वुड बी इन इन हॉस्पिटेबिली कोल्ड अब ये क्यों होता है थोड़ा सा दिमाग लगाना चीजें क्लियर हो जाएंगी Sir, हम लोग जब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो एटमोस्फेयर क्या करता है सर हीट जो होती है ना उसको क्या करता है अब्जॉर्ब करता है जिससे क्या है हमारी सरफेस के ऊपर क्या है हीट हमारी क्या हो बिल्कुल एक तरह से कॉन्स्टेंट की तरह हमारी बनी रहे क्लियर बात है अगर एटमोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं तो यह चीज है क्योंकि वो एक एनवलप की तरह बिहेव करता है ठीक है जो क्या करता है इसके अंदर क्या करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है सेकंड है कि सर अगर मैं बात करता हूं सिर्फ गैसेस की तो अब एक चीज बताइए हमारी सारी 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 जो गैसेस होती हैं या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं गैसेज अगर हमारी मैं बात कर रहा हूं तो बेटा वो क्या होती है हमारी जो एटमोस्फेरिक गैसेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो हमारी क्या होती है एटमॉस्फेरिक जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं सर वो हमारी गुड कंडक्टर नहीं होती है क्या होती है गुड कंडक्टर नहीं होती है यानी कि सर उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बहुत लो होती है अगर कंडक्टिविटी लो है तो इट मीन्स क्या हुआ कि सर वो कंडक्शन हमें नहीं दे पाएंगे अगर कंडक्शन नहीं दे पाएंगे तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये हमारा कंडक्शन जब नहीं होगा तो इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही हमारे जो एटमोस्फियर है अगर उसके मैं विदाउट देखूंगा तो हमारी बॉडी जो हमारा पूरा का पूरा अर्थ है वो क्या होगा बेटा हमें कोल्ड महसूस होगा क्या होगा कोल्ड महसूस होगा सेकंड है कि सर हीटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन ऑफ Steam are more efficient in warming a building than those based on the circulation. ऑफ द हॉट वाटर अब एक चीज मुझे बताओ दो चीजों को आप लोग समझिएगा अगर मैं बात करता हूं हॉट वाटर के कंपैरिजन में मैं स्टीम की बात करता हूं तो स्टीम की क्या होती है बेटा इसकी लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है लेटेंट हीट क्या होती है ज्यादा होती है अगर लेटेंट हीट ज्यादा होगी तो इसमें इट मीन क्या हुआ कि सर उसकी हीट रिटेंशन की जो वैल्यू है वो क्या है ज्यादा होगी हीट क्या करेगी ज्यादा रिटेंशन करेगी यानी कि सर उसकी हीट रिटेंशन क्या होगी एज कंपेयर टू मैं अगर हॉट की बात, बात करता हूं उसकी क्या होगी ज्यादा होगी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा हीट हीटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है मोर इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू हमारे जो हॉट वाटर के कंपेरिजन में क्या होता है मोर तो यहां पर लिख लीजिए एक वर्ड को पकड़ लीजिएगा क्या लिखना है यहां पर स्टीम बेस्ड स्टीम हीटिंग सिस्टम स्टीम हीटिंग सिस्टम ये लाइन आप लोगों को याद रखने हीटिंग सिस्टम steam based heat heating systems base circulations are more more efficient as compared to as compared to as compared to hot water system water सिस्टम बस ये लाइन याद रखिएगा ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है इतनी सी लाइन याद रखनी है जिससे क्या है कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो इतनी सी लाइन आप लोगों को याद रखनी है बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है जिससे क्या है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अब मैंने ये सिर्फ लाइन क्या लिखी है सर हमारा जो स्टीम होता है उसकी क्या होती है सर ले, अगर मैं बात करता हूं ज्यादा होती है एज कंपेर टू हॉट वाटर के तो वही चीज हमारी होगी जब भाई कोई भी चीज है अगर वो हीट को रिटेन कर पा दी तो इसका मतलब क्या होगा सिस्टम हमारे लिए इफेक्टिव होगा क्या होगा इफेक्टिव हमारे लिए होगा ठीक है सिस्टम समझ में आ गया होगा अब आगे चलते हैं अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल अच्छा numerical है। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या बोला एटी डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइम इज टेकिंग टू कूल फ्रॉम सिक्सटी डिग्री सेल्सियस या हम लोग बोल सकते हैं सर सिक्सटी सेल्सियस टू थर्टी सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ट्वेंटी ठीक है भाई अब मेरे को एक चीज बताओ आपको अगर याद है न्यूटन लॉ पढ़ा था न्यूटन्स लॉ जो था, हमने पढ़ा था कूलिंग के लिए उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर चेंज इन टेम्परेचर क्या था चेंज इन टेम्परेचर क्या है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में क्या था बेटा अपॉन में था सर टाइम क्या है अपॉन में था टाइम चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टाइम था इज इक्वल टू क्या था के इनटू में था डेल क्या था डेल ये था अब चेंज इन टेम्परेचर अब मेरे को एक बार वर्ड पढ़ो क्या बोला है अब बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन फाइव मिनट्स यानी कि वो क्या कर रही है फाइव मिनट्स का टाइम ले रही है 80 से 50 में जाने में ठीक है It... मतलब क्या हुआ कि डेल्टी हमारा जो होता है वो क्या होता है सर इन दोनों का एवरेज इन दोनों का एवरेज माइनस हमारा क्या हो जाएगा कितना एटी प्लस फिफ्टी फिफ्टी अपॉन टू माइनस में हमारा हो जाएगा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा ट्वेंटी कितना हो जाएगा भाई ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा वन थर्टी सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी

सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि सर एक केस हमारा इससे बनेगा इसके अंदर चेंज कितना हुआ है इसके अंदर भी चेंज हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि सर चेंज इन टेम्परेचर इसके लिए सेकंड केस के लिए कितना हुआ है चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो ये हमारा कितना हुआ है सर थर्टी डिग्री इसके अंदर भी टाइम हमें पता नहीं है टाइम इसके लिए कितना होगा ये हमें पता नहीं है टाइम कितना टेकन है वो हमें पता नहीं है नेक्स्ट हमें दे रखा है कि सर सराउंडिंग्स की बात की वो 20 है अब हमें क्या करना पड़ेगा इनका भी एवरेज लेना पड़ेगा और इनका एवरेज कितना हो जाएगा सर सिक्सटी थर्टी कितना हो जाता है नाइनटी नाइनटी हमारा हो गया नाइन्टी बाय टू माइनस कितना हो जाएगा बेटा ट्वेंटी

अब अपॉन में क्या हो जाएगा टी टी मैं स्मॉल टी ले लेता हूं क्योंकि आप टी मैंने बड़ा वहां पे ले रखा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इन टू मैं और डेल्टी हमारा क्या हो जाएगा बेटा डेल्टी हमारा क्या हो जाएगा डेल्टी हमारा कितना आया यहां पे? ट्वेंटी फाइव तो भाई दोनों को कंपैरिजन कर लो और वैल्यू जो टी है उसको फाइंड कर लेते हैं उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि सर इसके लिए कितना टाइम उसको लगेगा वो हम लोग क्या करते हैं बेटा फाइंड कर लेते हैं कि सर इसके लिए वो कितना टाइम ले रहा है तो सबसे पहले देखिए निकालिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं तो यह से यहां से देखिए क्या हो जाएगा यहां से अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा सर पहली क्वेश्चन में सेकंड का है भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा थर्टी बाई फाइव मैं क्या करता हूं इंटू में ले जाता हूं उसको उल्टा करके कितना हो जाएगा टी बाई थर्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इन फोर्टी फाइव अपॉन में कितना हो जाएगा भाई में कितना हो जाएगा K into 25. तो भाई इसको आउट कर दीजिए जा जा हो जाएगा ट्वेंटी फाइव कैंसिल आउट थर्टी से थर्टी कैंसिल आउट यानी कितना आ जाएगा? 9 minute. कितना आ जाएगा T is equal to कितना आ जाएगा कितना टी इज इक्वल टू मिनट ये हमारा क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो हमारा है उसकी मैंने बात किया उसके थ्रू मैंने इसको चीजों को किए तो यह आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी जगह कहां कौन सा लगाना है क्योंकि यहां पे देखो दो चीजें दे रखें टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम हम लोगों को दिया हुआ था इसलिए मैंने इस अप्रोच से गया दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक हुआ क्यों हुआ क्योंकि सर इस चीज को हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है जिससे क्या है कि जब हमारे एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर इससे फंसे ना भाई तो वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले इसको उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आगे होगा कुछ नहीं करना है चेंज इन टेम्परेचर निकालना है डिवाइडेड बाई टाइम करना है अगर हमें टाइम दिया हुआ होता है और उसको इक्वल कर देना है के इंटू डेल्टी क्या है के इंटू डेल्टी यानी कि हमारा कितना उसके अंदर डेल्टी है क्लियर बात है

किसका दे रखा है सीओ का क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का हमें दे रखा है ये ये हमें डायग्राम दे रखा है अगर आप लोगों को याद हो तो यही डायग्राम मैंने जब आप लोगों को पढ़ा रहा था ट्रिपल पॉइंट ट्रिपल पॉइंट के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था क्या समझाया था ट्रिपल पॉइंट के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझाया था अगर आप लोगों को ये डायग्राम याद है तो ट्रिपल पॉइंट के अंदर मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था जब मैंने ट्रिपल पॉइंट की बात की थी क्या की थी मैंने जब मैंने ट्रिपल पॉइंट की बात की थी उस टाइम पर बेटा मैंने बहुत अच्छे से यह समझाया था यही डायग्राम ट्रिपल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ

को एग्जिस्ट इन इक्म यानी कि सर वो कौन सा केस है जहां पे हमें सॉलिड भी मिल जाए लिक्विड भी मिल जाए और गैस भी मिल जाए मैंने आप लोगों को समझाया था कि सिर्फ हमारा एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट और मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था वॉटर का क्या क्या था मैंने वाटर का एक एग्जाम्पल दिया था और वाटर का एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था कि सर टू

टेम्परेचर है या प्रेशर है जिसके ऊपर हमारा क्या है कि तीनों की तीनों चीज़ें हमें मिल जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जगह देखिए मैंने आप लोगों को बताया था एक पॉइंट हमारा ये होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या बोल देते हैं बेटा इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या बोल देते हैं ट्रिपल पॉइंट बोल देते हैं और ट्रिपल पॉइंट ऐसा एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर क्या है हमें तीनों की तीनों जो कंडीशन हैं वो हमें मिल जाती है तीनों की तीनों कंडीशन मिल जाती है यानी कि पहले का केस क्या हो जाएगा पहले का अगर मैं बात करता हूं तो कितना पे है ये ये है फाइव और उसी के साथ कितने पे बेटा यहाँ पे है

इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ दू टू अब एक चीज मुझे बताइए अगर किसी भी चीज का अगर बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर रहे हैं और उसी के साथ जो उसका फ्यूजन पॉइंट पॉइंट यानी कि जो फ्रीजिंग होता है उसको रिड्यूस कर रहे हैं क्या हुआ सर प्रेशर भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा इफेक्ट वट इज द इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड बॉयलिंग पॉइंट ऑफ दी यू टू यह भी क्या होंगी बेटा डिक्रीज होंगी ये भी क्या हो जाएंगे बेटा डिक्रीज हो जाएंगी ये भी क्या होंगे डिक्रीज होगा क्या होगा डिक्रीज होगा ऑब्वियसली बात है कि सर अगर कोई भी चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो इ...

हमारा हो जाता है क्या हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो जाता है इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट हम लोग इसको बोल देते हैं अगर यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो एक चीज बताइए कि ये हमें कहाँ पे मिल रहा है ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है कि इसके मतलब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हम लोग सीधा सीधा ये समझ सकते हैं सर उसके बाद में हमें सॉलिड स्टेट नहीं मिल पाएगा सॉलिड स्टेट नहीं मिल पाएगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि सर व्हाट आर द क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द प्रेशर फॉर द सीओ टू अब इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा देखिए इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ ये क्रिटिकल पॉइंट है यानी कि सर 73 ये हमारा क्या है सेवेंटी और उसके अलावा कितना है थर्टी वन पॉइंट वन क्या है थर्टी वन पॉइंट वन तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसकी मैं अगर बात करता हूं तो सेवनटी थ्री पॉइंट जीरो और क्या हो जाएगा बेटा थर्टी वन पॉइंट वन ये हमारा क्या हो जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो जाएगा कहां पे है सर इकतीस पॉइंट एक पे हमारा हो गया है क्रिटिकल पॉइंट अब आप बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सॉलिड लिक्विड और गैस एट टेम्परेचर माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस अंडर वन एटीएम अगर वन ए की बात की तो भाई ये हो गया हमारा वन ए क्या हो गया है? वन ए अगर ये वन ए है तो इसके बाद में हमें क्या बोला है सर हमें बोल रहा है माइनस सेवेंटी और माइनस सेवेंटी होगा तो अप्रोसीमेटली यहाँ होगा इट मीनस क्या होगा कि सर ये यहाँ पे लाई कर रहा होगा अगर यहाँ लाई कर रहा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे अगर ये यहाँ लाई कर रहा होगा तो, हो तो इस केस में क्या होगा इस केस में हमें क्या मिलेगा इस केस में हमारा क्या हो जाएंगे वेपर्स की फॉर्मेशन होगी क्या होगी देखिए बोला है एस सी ओ टू सॉलिड लिक्विड और गैस एट इन दिस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस वाले केस में क्या हो जाएगी सर इसमें हो जाएगी वेपर क्या हो जाएगी वेपर हमारी हो जाएगी हम लोग बोल सकते हैं गैस हमारी हो जाएगी ठीक है थर्ड पौर, सेकंड पॉइंट क्या बोला माइनस सिक्सटी डिग्री सेल्सियस अंडर टेन एटीएम क्या अंडर टेन एटीएम अब देखिए माइनस सिक्सटी माइनस सिक्सटी से यह छप्पन है छप्पन का मतलब क्या होगा सर अप्रॉक्सिमेटली अगर ये माइनस सिक्सटी है सेवेंटी है यहाँ पे बढ़ रहा है वैल्यू यानी कि सर अप्रॉक्सिमेटली इधर कहीं होगा इधर इससे थोड़ा सा आगे होगा इस केस में होगा और यहां पे हमने क्या किया बेटा यहां पे हमने क्या किया प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है कहां ले गए टेन ए टीपी पे ले गए कहां ले गए टेन ए टीपी पे ले गए और टेन ए टीपी पे जाएगा तो क्या बन जाएगा सॉलिड क्या बन जाएगा बेटा सॉलिड बन जाएगा क्या हो जाएगा सॉलिड बन जाएगा अगर ये सॉलिड बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सर इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में हमारा हो जाएगा सॉलिड क्या हो जाएगा इस केस में हमारा हो जाएगा सॉलिड अब बोला है माइनस वो प्लस 15 डिग्री सेल्सियस एंड अंडर 56 एटीएम फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस की बात है यानी कि सर पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है तो यानी कहीं यहाँ पे होगा और यहाँ पे हमें क्या बोला है फिफ्टी सिक्स की बात की है फिफ्टी सिक्स की बात की है तो इधर से इस तरफ आएगा यानी कि सर इस केस में ये कहाँ पे है इस केस में कहा है सर लिक्विड केस में है कहाँ है बेटा लिक्विड में है अगर ये लिक्विड में है तो थर्ड केस हमारा क्या हो जाता है लिक्विड हमारा हो जाता है ये क्या हो जाता है लिक्विड हमारा हो जाता है तो इस प्रकार का जो डायग्राम है आप लोगों का इस प्रकार का जो डायग्राम है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसके थ्रू सॉल्व करना है डायग्राम को इसके थ्रू सॉल्व करना है यानी कि ये डायग्राम है इसके थ्रू हमारी क्या करनी है पूरी की पूरी जितनी वैल्यूज हैं हमें से जो भी डेटा पूछ रहा है वो इसके थ्रू हमें क्या करना है सॉल्व करना है सिर्फ डायग्राम की हेल्प लेनी है डायग्राम गे, को अगर आपने ढंग से बिठा लिया दिमाग के अंदर कि सर क्या हमारा हमारा, हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है कहां हमारे गैसेज होती हैं कहाँ हमारे सॉलिड्स होते हैं कहाँ हमारे लिक्विड्स होते हैं इज़िली आप लोग कर जाओगे इज़िली क्या करोगे आप लोग बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कर जाओगे आसानी से सारी चीजों को समझ जाओगे ठीक है बेटा तो ये हमारा क्या है इसका सवाल का आंसर है इलेवन पॉइंट टू वन की अगर मैं बात करूं तो

डायग्राम ऑफ सीओ टू ठीक है इसके अंदर हमें वही चीज वही सेम तरीके का पूरा का पूरा डेटा है हमें क्या करना है स्पेसिफाई करना है चीजों को और उनको क्या करना है सॉल्व करना है आगे क्या अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं इसी के अंदर तो इसके अंदर वही उसी तरीके के हैं कि सर कौन से स्टेट में हम लोगों को क्या करना है कि गैस मिलेगा कौन से स्टेट में लिक्विड मिलेगा कौन से स्टेट में हम लोगों को वेपर्स की फॉर्मेशन होगी सारी चीजों को हम लोगों को क्या करना है उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और पूरा का पूरा तरीका है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है अगर आप लोगों को कोई भी सवाल उससे आता है तो आप लोगों को अच्छे से उसको कर लेना है क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है इसको करने क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा सर सबसे पहले हमें क्या करना है उस डायग्राम के अंदर हमें देखना है ट्रिपल पॉइंट के बारे में फिर हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट और फिर हमें देखना है कि कौन कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जहां पर हम लोगों को चीजें क्या हो रही है अलग अलग मिल रही है तो इन सारी चीजों को क्या करना है आप लोगों को एक बार कर लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल से जुड़ने के लिए और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा की और उसके अलावा किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी डाउट होता है यानी कि हम लोग बोले कि सर सारे सवाल जो किए है उसमें से कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो उसको आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है जिससे क्या है कि मैं और मेरी जो टीम है आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करें और आपकी पढ़ाई है उसको एकदम अच्छे से करवाएं तो आप सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद